अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि मैं मक्का मुकरमा से जद्दा की तरफ आया हूँ। तो जद्दा में काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप सिर्फ जाके कारनी साइड पे जाओ, समंदर साइड पे मतलब जाओ, समंदर देखो। तो यहाँ पे मैं अभी समंदर के पास मौजूद हूँ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और सनसेट भी होने वाला है, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये मेरे पीछे आप देखेंगे वो आपको सूरज नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा सन नज़र आ रहा है। ये सारा समंदर है, वहाँ दूर काफ़ी जहाज मुझे नज़र आ रहे हैं, यॉर्ट्स वगैरह। एक खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी बड़ा समंदर है यहाँ पे जद्दा में। ये हमने गूगल पे लोकेशन लगाई थी, अभी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे समंदर का नज़ारा करने के लिए आए हुए हैं। ये मेरे पीछे देखेंगे ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ मकामी लोग हैं और कुछ फॉरनर लोग हैं और यहाँ पे समंदर के किनारे आए हुए हैं। और मेरे ख्याल से सनसेट देख के ये जाएंगे, देखते हैं हम कितनी देर यहाँ पे स्टे करते हैं। मैं आपको मोबाइल के बैक कैमरे से दिखाता हूँ समंदर का मंजर, और जो दूर वहाँ से शिप आ रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये खूबसूरत सूरज कितना खूबसूरत है, और इसकी बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही क्योंकि इस वक्त तकरीबन 4-5 बजे का टाइम है। ये समंदर का नज़ारा आप देखिएगा, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज़ मेरी जो है वो फैले, लेकिन ये देखिए आप खूबसूरत नज़ारा समंदर का, जहाँ तक निगाह दौड़ाते हैं समंदर ही समंदर है, और हवा चलने की वजह से लहरें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। वहाँ पे बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़े जहाज, यॉर्ट्स, कश्तियाँ छोटी सारी नज़र आ रही है। वो सामने एक बहुत बड़ा जहाज़ है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, क्योंकि सूरज के बिल्कुल सामने है ये। अगर आप देखें तो ये देखिए ये काफ़ी बड़ा जहाज़ यहाँ पे जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये सामान वाला जहाज़ होगा, सामान बरादर। इसके साथ एक और जहाज़ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी ये जहाज़ जा रहा है, जितना हो सका मैंने जूम किया है। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जहाज़ भी जा रहा है सामान बरादर, और इसके साथ वो आगे भी जहाज़ जा रहा है, और ये छोटे छोटे भी काफ़ी ज़्यादा जहाज़ हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी जहाज़ जा रहा है। तो ये मैंने जूम करके आपको दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सामान बरादर जहाज़ हैं। मेरे ख्याल से ये बंदरगाह लग रही है मुझे, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हो सकता है कोई पोर्ट हो, लेकिन जहाज़ काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहे हैं। मैंने जूम किया था, यहाँ से आपको लगता होगा बिल्कुल करीब जहाज़ हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूरी पर जहाज़ जा रहे थे, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, अच्छा लग रहा है। ये सारे के सारे देखिए डिफरेंट फैमिलीज़ के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे समंदर का एक खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सनसेट भी होने वाला है, सनसेट का इंतज़ार करेंगे। मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा खूबसूरत है, और बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है। यहाँ पे एक भाईजान लगता है मछली पकड़ रहे हैं, देखते हैं जी फिश इसके अंदर आई है या नहीं आई, या किस तरह ये मछली पकड़ते हैं, चलिए लेट्स सी, देखते हैं। भाईजान ने कांटा फेंका हुआ है और ये ट्राई कर रहे हैं, नहीं जी इसमें मछली नहीं आई जी, इन्होंने ट्राई किया लेकिन इसके अंदर अभी मछली नहीं आई, फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे और भी काफ़ी लोग पिकनिक वगैरह मना रहे हैं, खाने पीने की तैयारियाँ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा खूबसूरत मंजर है। इंशाल्लाह मैं फर्दर आपको अपडेट्स देता रहूँगा। इलीसा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करें। इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।